के बेदासर में पार्षद बेगराज नाई के समर्थन में कस्बे वासियों का महापड़ाव पुलिस ने बलपूर्वक समाप्त करवाया। पार्षद बेगराज सहित 3 जनों को 151 में किया गिरफ्तार। पार्षद की गिरफ्तारी के विरोध में कस्बे वासियों में आक्रोश, पुलिस व आरएसी जवानों ने की भीड़ पर लाठीचार्ज। लाठीचार्ज करने पर भीड़ ज्यादा आक्रोशित हुई, पुलिस पर किया पथराव, 2 या 3 पुलिस कर्मियों के आई चोटें। पुलिस ने भीड़ पर छोड़े आंसू गैस वाहन से आग के गोले। सांसद राहुल कस्बा व रद्दगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। बिदासर पुलिस के लाठीचार्ज को बताया गलत। बिदासर में राजकीय सीएचसी के आगे पिछले 102 दिन से चल रहा था पार्षद का धरना। पार्षद की गिरफ्तारी के विरोध में हुए लोग आक्रोशित। जाट सेना के अध्यक्ष विवेक माचरा पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर 151 में गिरफ्तार कर लिया। कस्बा बिदासर में सीएचसी बिदासर के बाहर बेगराज जी और उसके समर्थकों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो काफ़ी समय से चल रहा है। कल इन्होंने महापड़ाव का ऐलान किया था, जिसमें पुलिस का मातूल प्रबंध किया गया था और कानून व्यवस्था कायम रखी थी। कल इनसे वार्ता करके उनको समझाइश की गई थी प्रशासन के द्वारा, आप जो माने हैं वो अधिकतर मामलों की पूर्ति की जा चुकी है। आपके यहाँ जो डॉक्टरों की कमी थी उनकी पूर्ति की जा चुकी है। 2 डॉक्टरों का जो ट्रांसफर हुआ है उनकी नए डॉक्टर आने पर उनको रिलीव कर दिया जाएगा। इनको समझाइश करने के बाद भी ये लोग धरने से नहीं हटे। हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने टेंट लगा लिया, वहीं उन्होंने खाना खाया, वहीं दिन रात उन्होंने धरना अनवरत जारी था। यहाँ चूरू जिले में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट चूरू के द्वारा धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 में क्लियर जिला मजिस्ट्रेट साहब ने निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के कोई व्यक्ति नहीं करेगा। इनको इस बारे में अवगत कराया गया, बताया गया कि आपने अनुमति नहीं दे रखी है और अस्पताल के बाहर जो आपने ये धरना प्रदर्शन दे रखा है, इससे आम नागरिकों को अस्पताल में अपना इलाज कराने में असुविधा हो रही है। इस मामले में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गुप्ता जी ने भी प्रशासन को और थाने को सूचना दी है लिखित में कि इनकी वजह से अस्पताल में मरीजों का इलाज कराने में काफ़ी असुविधा हो रही है, आम आदमियों को आम नागरिकों को असुविधा हो रही है। इनको समझाइश करने के बाद भी नहीं हटे तो आज इनके विरुद्ध तहसीलदार जी ने धारा 188 IPC में पुलिस थाना बिदासर में FIR दर्ज करवाई है। इस FIR के सिलसिले में आज उनको मौके पर जाकर फिर समझाइश की गई, ये नहीं माने और ये उग्र होके गए। धरना इसी प्रकार चलेगा, कानून की उन्होंने पालना नहीं की। इसका वॉयलेंस करने में कोई 151 CRPC में महेंद्र कुमार जी, बेगराज जी और उमराव जी, इन 3 व्यक्तियों को हमने साध्यभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। और ये मुकदमा नंबर 52/19 धारा 188 IPC में बिदासर में दर्ज हुआ है, इसका अनुसंधान जारी है। इस अनुसंधान के तहत मौके पर जो टेंट और जो इन्होंने रास्ता रोक के अवरोध कर रखा था उसमें टेंट और टेंट कुर्सी लगा रखी थी, उनको हमने इस मुकदमे के अंदर जब्त कर लिया।